आज हम सीखेंगे सी आई एंड एस आई और ये पार्ट टू है। पार्ट वन में पहले हम 7 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो पहले आप पार्ट वन देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई के सिंबल जो नज़र आ रहा है आपको, आई के सिंबल वहाँ मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार पिछले वीडियो का स्टार्टिंग का थोड़ा सा पार्ट रिव्यू करा देता हूँ कि जो हमने सीखा था ये 2 ईयर के लिए स्ट्रक्चर था और ये 3 ईयर के लिए स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर का हम आज फॉलो करेंगे, 3A और इधर ये 3B और ये C। ये जो पार्ट होता है ये अगर 3 साल का SI पूछा जाए तो ये 3 साल का SI इन तीनों का जोड़ जो होगा सम वो SI होगा, और ये अगर एक्स्ट्रा वाला जो पार्ट है ये सारा ये डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI होगा, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, क्योंकि SI तो सिर्फ इतना होगा। और अगर CI की बात करेंगे तो ये सारा जो होगा टोटल ये CI होता है, टोटल जो होता है ये इन सब का सम जो होगा वो CI कहलाएगा। लेकिन उसमें एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, SI में तो ये सिर्फ 3A आ रहे हैं और CI में ये सारा आ रहा है, यानी कि जो 3B+C ये एक्स्ट्रा टर्म जो है यही CI और SI का डिफरेंस होगा। अब ये ABC है क्या, तो देखो मान लो कोई भी प्रिंसिपल कोई भी अमाउंट होगा जैसे 1000 रुपीज़ या 10000 रुपीज़ कुछ भी मान लो, रेट कुछ भी 5% 10% हो सकता है। अब उसका जब हम सॉल्व करेंगे तो जैसे अगर मान लो ये 1000 है, 1000 का हम 10% सॉल्व कर रहे हैं तो 100 आएगा, यहाँ भी 100 आएगा और यहाँ भी 100 आएगा, तो ये तीनों यूनिट तो सेम है। यानी कि आप ये स्ट्रक्चर अगर समझ जाते हो तो हर बार आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपको पता चल गया कि हर बार यहाँ पे तीनों बार सेम वैल्यू लिखनी है। उसके बाद फिर इसका, क्योंकि सेकेंड ईयर में देखो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो पहले साल का ब्याज आया उस पर ब्याज भी लगेगा, तो पहले साल का ब्याज मान लो ₹1 कुछ भी यूनिट कुछ भी आया तो उसका ब्याज निकालेंगे सेकेंड ईयर के लिए। ऐसे सेकेंड ईयर के लिए जो आया उस पर ब्याज निकलेगा थर्ड ईयर के लिए, फिर फर्स्ट ईयर का भी तो निकलेगा थर्ड ईयर के लिए, और जो सेकेंड ईयर का ब्याज आया वो भी थर्ड ईयर के लिए। यानी कि जितना ब्याज आते जाएगा उस पर ब्याज फिर हम नेक्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करते जाएंगे, क्योंकि ब्याज मूलधन पे तो जो प्रिंसिपल है उस पर तो ब्याज लगता ही है, लेकिन साथ साथ जो इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट के ऊपर भी ब्याज लगता है, उसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन में, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ 10,000 रुपीज इज गिवन, 10,000 रुपये है इज गिवन ऑन 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, फाइंड CI। तो कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर से करेंगे और बहुत आसान हो जाएगा। देखो ये 10,000 हमारा प्रिंसिपल दे रखा है, नहीं दिया होता तो हम रेट का यूज करते। ओके, रेट कितना है 10%, 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 1/100, 1/100 नहीं, देखो सॉल्व करके मैं बता देता हूँ, 10% का मतलब ये 10 और परसेंटेज का सिंपल हटाओगे तो अपॉन में 100 आएगा, तो 0 से ये कट गया तो 1/10 होता है, 10% का मतलब 1/10, तो इसका 1/10 सॉल्व करेंगे। तो स्ट्रक्चर हमारा ये कहता है कि तीन बार तो ए, यानी कि इसका 1/10 सॉल्व करोगे तो 1000 और 1000, ठीक है। उसके बाद यहाँ और यहाँ बी होता है तीन बार, है ना, यानी कि इसका जो ये फर्स्ट जो वैल्यू आई इसका भी 10% निकालोगे तो इसका 10% कितना होगा, या यूँ बोल लो कि 1/10, तो इसका 1/10 होगा 100, यहाँ 100 तो यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100, जो मैंने आपको बताया कि इधर तो 3A और ये 3B। ओके, एक बार सॉल्व कर लिया अपने आप समझे। उसके बाद सी, यानी ये जो वैल्यू आई ये सेकेंड ईयर का फिर 1/10 निकालोगे तो थर्ड ईयर में वो ऐड होगा। ओके, तो इसका 1/10 कितना होगा, 1/10 होगा, 100 का 1/10 सॉल्व करोगे तो। अब ये जो आ गया ये हमारा टोटल जो होगा ना ये CI कहलाएगा, तो इन तीनों को जोड़ लो कितना होगा 3000। अगर सिर्फ SI पूछा होता तो इन तीनों को जोड़ते SI को कितना होता 3000। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI पूछा होता तो इस अमाउंट को हम जोड़ देते हैं सिर्फ, ये कितना हो जाता 310। ओके, लेकिन हमसे पूछा हुआ CI, तो CI इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3310 रुपये, ये आपका आंसर आ गया। तो देखो एक ही मेथड से हम कितनी सारी चीज़ें बता सकते हैं, SI भी बता सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI बता सकते हैं, टोटल CI बता सकते हैं, हम अमाउंट जोड़ना तो अमाउंट भी इसको और इन सब को जोड़ देंगे अमाउंट भी आ जाएगा। अगर हमें सिर्फ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट पूछा हो, सेकेंड ईयर का ब्याज, तो सेकेंड ईयर का ये इतना होगा 1000, यानी 1100 रुपये होगा ये, 1100। थर्ड ईयर का पूछा है तो थर्ड ईयर का ये होता है, ये फर्स्ट ईयर का होता है, ये जो लाइन है ये सेकेंड ईयर की और ये जो है थर्ड ईयर की। तो देखो ये मेथड में कितने सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 ईयर्स इज 175 रुपीज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.2% कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड प्रिंसिपल। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा एक बात का और ध्यान रखना, इन सब के और भी ट्रिक्स होते हैं और भी मेथड होते हैं जहाँ फॉर्मूले डायरेक्ट बनाए गए उनका यूज भी कर सकते हैं हम, क्योंकि CI SI बहुत सारे तरीके से हो सकता है, लेकिन जो आसान है जो बेस्ट है जो सब जगह लगता है इंप्लीमेंट होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो मेथड। तो यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल है नहीं हमारे पास तो हमें रेट का यूज करना पड़ेगा। रेट कितना है 12.5%, 12.2%,
इसका मतलब होता है 1/8, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इसको मल्टीप्लाई और ये ऐड हो जाता है तो 25/2 होगा, और परसेंटेज का सिंबल हटाओगे तो नीचे 100 लगेगा, फिर सॉल्व करोगे तो 1/8 आएगा। अब ये 3 साल की बात कर रहा है, 3 ईयर्स है ना, देखो तो नीचे वाला जो नंबर होता है ये जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हो, इस नंबर का क्यूब कर लेंगे, यानी 8 की पावर 3 का मतलब 8 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 512। अगर 2 साल का था तो हम स्क्वायर करते थे, पिछले वीडियो में देखा था आपने। अब इसका 1/8 सॉल्व करेंगे, जैसे 3 साल के लिए हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही 1/8 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 64, यहाँ भी 64, यहाँ भी 64। फिर इसका 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ चुका है। और फिर इसका 1/8 निकालेंगे तो ये आएगा 1। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपसे बोला गया क्वेश्चन में कि सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना है, 175। तो सी आई और एस आई का डिफरेंस, तो मैंने बताया आपको ये जो होता है ना, ये इतना टर्म, ये यही होता है सी आई और एस आई का डिफरेंस, ठीक है। ये टोटल जो होता है सी आई होता है, ये सिर्फ एस आई होता है, और ये सी आई और एस आई का डिफरेंस, इनको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 यूनिट्स, 25। तो 25 यूनिट्स इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में गिवन कितना है, 175 के बराबर, ठीक है। क्योंकि सी आई एस आई की हमारे पास कितना है, 25 यूनिट आया, जबकि क्वेश्चन में गिवन कितना है, 175, तो 25 यूनिट इसके बराबर होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 1 यूनिट कितने के बराबर आएगा, 25 पे टेबल तो आता होगा 7 आएगा, 1 यूनिट 7 रुपीज़ के बराबर। आपसे पूछा है प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ये यूनिट जो होता है ना, यही प्रिंसिपल होता है जो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये प्रिंसिपल है 512, तो 512 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 512 × 7 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन सी, इसको करोगे 84 और इसको करोगे तो 35। क्लियर है, जो कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट वीडियो में लगाया है वही कॉन्सेप्ट सारा यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, वहाँ 2 साल के लिए किस सीखा था, यहाँ पे 3 साल के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ सी आई फॉर थर्ड ईयर, सी आई थर्ड ईयर के लिए कितना है, 24 रुपीज़ 50 पैसे, 24 रुपये 50 पैसे, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16 2/3%, रेट कितना है, 16 से 2/3%, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर्स, फाइंड प्रिंसिपल। अच्छा, कंपाउंडेड एनुअली आ रहा है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, वहाँ भी डरने की जरूरत नहीं है, सेम मेथड यूज होगा। अगर हाफ ईयरली हो तो रेट को आधा कर दोगे आप और टाइम को डबल कर दोगे, बाकी मेथड ही अप्लाई करना है बिल्कुल। एक आध क्वेश्चन मैं बाद में वो भी बताऊंगा, चिंता मत करो आप। तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो रेट का यूज करेंगे 16 2/3%, इसका मतलब कितना होता है, 1/6। क्लियर है, ये तो सॉल्व करना आपको आ गया। अब 3 साल की बात कर रहा है तो हम इसका इसकी पावर 3 कर लेंगे, तो 6 की पावर 3 करेंगे तो कितना आता है, 216, 6 × 6 18 मत लिख देना, 6 की पावर 3 करके, ओके। अब इसका 1/6 सॉल्व करते हैं, वही 3 साल का स्ट्रक्चर सॉल्व करेंगे, तो इसको जब 6 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 216 का 1/6 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 36, यहाँ भी 36, यहाँ भी 36। फिर इसका 1/6 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको क्लियर हो चुका है। और फिर इसका 1/6 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1। अब क्वेश्चन में बोला है थर्ड ईयर का सी आई दे रखा है, थर्ड ईयर का, तो इसे अगर आप थर्ड ईयर वाले का, ये थर्ड ईयर का पार्ट हो, थर्ड ईयर का सी आई है, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 49। तो 49 यूनिट किसके बराबर है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 24 रुपये 50 पैसे, 24 रुपये 50 पैसे का मतलब इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 49/2, इसका मतलब भी तो यही आएगा इसको डिवाइड करने पे, या इसको आप चेंज कर सकते हो, ऐसे पॉइंट हटाओगे नीचे 100, उसके बाद सॉल्व कर लो, सॉरी 100 नहीं 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट है तो 1 ही 0 आएगा ना, 5 साल से जब सॉल्व करोगे तो 49, 5 से करोगे 2, या डायरेक्ट वैसे भी लिख लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा फिर उसे, इससे ये कट जाएगा ऊपर से ऊपर। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 1 यूनिट जो है 1/2 के इक्वल है। और आपसे क्वेश्चन पूछा है प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल कितना है, 216 यूनिट, 216 यूनिट, तो 216 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 216 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 से, तो कितना आएगा, 108, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बस यही मेथड आपको यूज करना है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, और चाहे कोई सा भी एग्जाम, SSC का एग्जाम हो, BLED का हो, या फिर UPSC में जहाँ अगर कहीं आ रहा हो मैथ, जहाँ पे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो, यूपी पॉलिटेक्निक हो, बिहार पॉलिटेक्निक हो, जहाँ पे भी ये सब टॉपिक पूछा जाता है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, और सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, CTET, DSSB सब में यही चलेगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करो उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक करो, और उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, एट वॉट रेट ऑफ CI विल 400 बिकम्स 441 इन 2 ईयर्स, मतलब किस दर पर, दर निकालनी है आपको, रेट निकालना है,
₹400 जो है ना वो कितना हो जाता है, ₹441 हो जाता है, 400 बिकम्स 441 इन 2 ईयर्स। अब इसमें रेट निकालना है आपको, टाइम दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, तो आप फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं लगाना। अब बिना फॉर्मूले निकाल लेंगे, ये 400 है, ये क्या है, प्रिंसिपल, और ये अमाउंट कितना है, 441। आपको ये देखना है कि कितने साल के लिए, 2 ईयर के लिए, तो आपको इसका रूट निकाल लेना है बस। ओके, 2 ईयर के लिए ये कॉन्सेप्ट जो बना है, डायरेक्ट रूट निकाल रहे हैं हम, फॉर्मूले को यूज़ करके जब सॉल्व करते हैं तो लास्ट में जाके रूट ही निकलता है, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। 2 ईयर्स के केस में रूट निकाल लेंगे, 3 ईयर्स होगा तो क्यूब रूट निकाल लेंगे, ठीक है। और मान लो कई बार ऐसा यूनिट हो जिसका रूट ना निकल रहा हो, तो पहले आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे, इसे काटोगे दोनों, ठीक है। उसके बाद अब इसका रूट कितना होगा, 2 साल के लिए था इसलिए हमने रूट निकाला, तो ये आएगा 20 और ये आएगा 21, इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 1 का, ओके, 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो 1 अपॉन ये जो होगा प्रिंसिपल वो बट्टे में लिखेंगे और इनटू में 100 सॉल्व करेंगे, तो जो आ गया ना 5%, ऑप्शन ए, यही इसका रेट है। ओके, 5% के दर से जब ब्याज लिया गया है तो ₹400 दो साल में कितना हो जाता है, ₹441 हो जाता है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं होगा, कॉमेंट करके बताओ जल्दी से। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताता हूँ इसी टाइप का, एक और क्वेश्चन ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। एट वॉट रेट ऑफ CI 1000 बिकम्स 1331 इन 3 ईयर्स, 3 साल की बात कर दी गई है, प्रिंसिपल है ₹1000। अभी इन सब में देखो एग्जाम में बिल्कुल भी आप टाइम लगाओगे, अभी तो मैं लिख रहा हूँ AP और A, आपको ये सब लिखने की जरूरत थोड़ी ना एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो डायरेक्ट सॉल्व करो। 3 साल की बात कर रहा है तो हम इसका क्यूब रूट सॉल्व करेंगे। ओके, अब इसका क्यूब रूट हमें पता है कितना है, 3 जीरो में से 1 जीरो आएगा और 1 का क्यूब रूट 1 यानी 10, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये किसका होता है, 11 का। आपको देखो 20-25 तक तो क्यूब रूट याद भी होनी चाहिए ताकि अच्छा रहेगा, और ये क्यूब रूट की वीडियोज भी मैंने डाल रखी है, आप उससे भी देख के सीख सकते हो, या फिर बोलोगे तो नई वीडियो आपके लिए फिर अपलोड कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, या हो सकता है आपको आता भी हो। तो ये आ गया क्यूब रूट इसका। अब डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो 1 और अपॉन में इस प्रिंसिपल को हमेशा लेंगे, ध्यान रखना, 10 इंटू में 100 सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 10% आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। क्लियर है, कितना ईजी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एट वॉट रेट ऑफ CI अ सम ऑफ मनी बिकम्स 9/4 टाइम्स इट्स सेल्फ इन 2 ईयर्स, मतलब किस दर पर कुछ राशि जो है वो खुद की 9/4 गुना हो जाती है, कितने साल में, 2 साल में। तो दर निकालनी है, क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका सेम चेंज हो गया है। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, मान लो प्रिंसिपल 1 यूनिट था या 1 रुपये था, कुछ भी था, अभी अमाउंट जो है वो कितना हो जाता है इसका, 9/4 टाइम्स, तो इसका 9/4 टाइम्स यानी 1 का 9/4 जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 9/4 आएगा, ये अमाउंट हो जाता है कितने साल में, 2 साल में। तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप ये देखो ये जो 4 होगा वो मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, तो यानी ये क्या बन जाएगा, 4, और ये क्या हो जाएगा, 9। ओके, या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ये 1 है, ये 9/4 है, ऐसा ही है ना। तो अगर मैं इसको, मुझे नीचे जो डिनोमीटर में जो 4 है इसको हटाना हो, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, इधर 4 से मल्टीप्लाई, ऐसा होगा नहीं। देखो सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और 4 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो हमारा ये जो डिनोमीटर है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड हमने किया है, तो इसे कैंसिल हो जाएगा, तो 4 और 9 ही तो आएगा। तो आप इसको भूल जाओ ना, आप सीधा ये समझो ना कि ये यूनिट जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जो डिनोमीटर है। क्लियर, तो 4 और 9 हो गया। अब इसका डिफरेंस कितने का आ गया, 5 का, 5/4 इंटू में 100। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, देखो जल्दबाजी में गलत हो जाएगा जैसे मैं अभी कर देता, क्योंकि 2 साल के लिए बोला हुआ है, 2 साल के लिए बोलते हैं इसका रूट भी तो निकालना होगा, तो अब इसका रूट कितना आएगा, 2, और इधर कितना आएगा, 3, तो यहाँ हमें ये नहीं लिखना पड़ेगा, हमें डिफरेंस कितने का, 2 और 3 में कितने का डिफरेंस आया, 1 का, अपॉन में क्या, ये 2 जो प्रिंसिपल है वो इंटू में 100। तो कई बार जल्दबाजी में गलत भी हो जाता है, बहुत ध्यान रखना। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखें, क्लियर होगा। 2 साल के लिए था इसलिए हमने रूट निकाला, 3 साल के लिए होता तो क्यूब रूट निकालते हैं। एट वॉट रेट ऑफ CI अ सम ऑफ मनी बिकम्स 1.21 टाइम्स इट सेल्फ इन 2 ईयर्स, सेम क्वेश्चन है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल मान लो अगर 1 यूनिट था तो ये इसका 1.2 टाइम्स हो जाता है, 1.21 टाइम्स हो जाता है, तो इसको 1.21 से मल्टीप्लाई करो तो 1.21 ही तो आएगा, कितने साल में, 2 साल में। अब इसको सॉल्व करना है, तो आप चाहो तो पॉइंट हटा के तो 2 जीरो आ जाएंगे, या आप सिंपल सा समझो कि 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेसिमल खत्म हो गया। अब इसका 2 साल के लिए तो रूट निकाल लो,
इसका रूट निकालोगे 10 आएगा, इसका रूट 11, डिफरेंस कितने का, एक का, तो 1/10 इंटू में 100 सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 10%, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। या फिर अगर आप ये डेसिमल नहीं हटाते, मान लो अगर आपका ये मन नहीं कर रहा था कि डेसिमल हटाने का या 100 से मल्टीप्लाई करने का, तो आप इसे ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ लिखा आपने 1 और इधर था ये 1.21, दो साल के लिए तो इसका रूट निकालोगे, इसका रूट 1 का रूट तो 1 होता है, और ये इसे अगर समझ लो आप 121 समझ लो, मान लो 121 है तो 121 का रूट कितना होता है, 11, और यहाँ डेसिमल लगा दो नंबर छोड़ के, तो जब रूट निकालोगे तो एक नंबर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा डेसिमल। अब इसका डिफरेंस कितना आ गया, 0.1 अपॉन में क्या, 1 इंटू में 100, पॉइंट हटाओगे नीचे जीरो आ जाएगा, इससे सॉल्व करोगे तो फिर ये कितना आ जाएगा, 10%, तो बात तो बराबर है, कुछ भी सॉल्व करो किसी भी मेथड से, आना तो वही है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में मज़ा आएगा, ये कॉन्सेप्ट जो बताया मैंने आपको 2-3 टाइप्स इसमें वो सब समझ में आ गया होगा, और बाकी जो टाइप्स हैं, बाकी जो और भी जो टाइप्स हैं क्वेश्चन के अलग अलग, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा। तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो कैसी लगी, समझ में आया है कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, जैसे जैसे आपका फीडबैक मिलता है उसी के अकॉर्डिंग मुझे भी लगता है हाँ वीडियो जल्दी बनानी चाहिए और आपको समझ में आ रहा है, तो फिर मुझे भी बहुत मज़ा आता है। तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने दोस्तों को, सभी को शेयर करो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।